वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने और निकालने समेत 9 निकाती एजेंडे पर गौर। चेयरमैन निजकारी कमीशन, चेयरमैन PIA का तकर्रुर, इसका जायजा लिया जाएगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 7 शहरों में फॉर्म्स का इजरा। फॉर्म्स 22 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 50 लाख घरों की तामीर के संग मील मंसूबे की बुनियाद डाल चुके हैं। ये मंसूबा समाज के निचले तबके को सस्ते घर फराहम करेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर पंजाब में अमल दरामद कैसे होगा? लाहौर में कल आला सतह का इजलास तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंसूबे पर बिला ताखीर इकदामात की हिदायत। पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के लिए फैसलाबाद शहर का इंतखाब। वज़ारत हाउसिंग और मुतालिका महकमों समेत फैसलाबाद की ऑफिसर्स इजलास में तलब। थरपारकर में गजाई किल्लत के 22 मजीद 4 फूल मुरझा गए। सिविल अस्पताल में ठीक इंतजामिया के मुताबिक बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों और गजाई किल्लत का शिकार थे। रवा माह मरने वाले बच्चों की तादाद 14 हो गई। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शवाहिद मुकम्मल होने से मुतालिक हतमी बयान के लिए वक्त चाहिए। घर में गजाई किल्लत से बच्चों की हलाकत का मामला सुप्रीम कोर्ट में अस्खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोग खुराक की किल्लत और पानी की वजह से मर रहे हैं। हुकूमत को जंगी बुनियादों पर काम करना चाहिए। जस्टिस साकिब निसार का इतवार को मिट्टी अस्पताल का दौरा करने का ऐलान। कहा मिट्टी अस्पताल में अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए। अस्पताल में तमाम सहूलियात चाहिए। थर के मसाइल खुद देखना चाहता हूँ। मेरी आमद पर सिर्फ खैमा ना लग जाए। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शवाहिद मुकम्मल होने से मुतालिक हतमी बयान के लिए वक्त चाहिए। नायब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा कबूल। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग का एहतजाज। इत्तेहादी अपोजिशन जमातों का एहतजाजी इजलास आज पार्लियामेंट हाउस के गेट पर होगा। नैब के हाथों गिरफ्तारी का खौफ। लीगी रहनुमा साद रफीक और सलमान रफीक की हिफाजती जमानतों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। सेनेटर मुशाहिदुल्ला के भाइयों की PIA में भर्तियों का मामला। कौमी एयरलाइन ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर साजिदुल्ला को फौरी पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। साजिदुल्ला कहते हैं, बगैर किसी नोटिस के मुझे पाकिस्तान बुलाया गया। मुशाहिदुल्ला ने इकदाम को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वाउडा की नाअहली की दरख्वास्त की समाअत। अदालत की फैसल वाउडा को पेश होने की आखिरी मोहलत। स्पीकर कौमी असेंबली के जरिए नोटिस भिजवाने का हुक्म दे दिया। फैसल वाउडा 13 नवंबर तक पेश न हुए तो फैसला कर देंगे, अदालती वार्निंग। नकीबुल्ला कत्ल केस। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मफरूर मुलजमान के एक बार फिर नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुलजमान में साबिक SHO अमानुल्ला मरवत, शुएब शूटर शामिल। राव अनवार बोले, अपनी रहायशगाह पर रहता हूँ, नामालूम मकाम पर मुंतकिल होने की तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट गलत है। इसी कोर्ट ने मुझे नोटिस सर्व कराया है मेरे घर पे। नैब के हवाले से भी कोई पेपर जमा हुए हैं आपके खिलाफ, इस हवाले से क्या देंगे? क्या आपके सासों की जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी? बर्खास्त लगाइए। साबिक सेशन जज सिकंदर लाशारी ने सजाए मौत को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस नेमतुल्ला ने अपील सुनने से इनकार कर दिया। मामला चीफ जस्टिस साकिब निसार को भिजवा दिया गया। सिकंदर लाशारी को सेशन जज जैकबाबाद के बेटे के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई थी। सऊदी सहाफी जमाल खाशकजी की गुमशदगी का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। सऊदी अरब पर अमरीकी पाबंदियों की तलवार लटक गई। 22 अमरीकी सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को खत लिखा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मामले की तह तक जाने का अज़्म। अगर रियाज मुलव्वस हुआ तो पाबंदियां लगाई जाएंगी। दुबई टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल। आखिरी रोज जीत के लिए पाकिस्तान को कैंगरूज की 7 विकेटें दरकार। 462 रन के ताकों में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी।
पीसीबी ने अहमद शहजाद को पीएसएल ड्राफ्टिंग लिस्ट में शामिल कर लिया। गोल्ड कैटेगरी का हिस्सा होंगे। दो टेस्ट मस्बत आने पर अहमद शहजाद को 4 माह की पाबंदी का सामना है जो 10 नवंबर को खत्म हो जाएगी।